दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद अवसाद, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री गुरुजी 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फार्म की सफाई के बारे में, और जो आपके फार्म का जब लिफ्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो लीटर बच जाते हैं उसकी सफाई के बारे में, ताकि इस तरह हम सफाई करें ताकि अगले लोट में फिर बीमारी ना आए। बहुत सारे फार्मर भाई का मुझे कॉमेंट्स आया और फ़ोन भी आया कि सफाई तो कर देते हैं उसके बाद भी बीमारी आ जाती है, तो आपको किस तरह सफाई करना है ताकि आपके अगले लॉट में बीमारी ना आए, उसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरे फार्म का जो लीटर निकाला जा रहा है और सारे लीटर को एक जगह जमा करने के बाद इसको मैं अपने फार्म से कम 100 मीटर की दूरी पर ही इसको गिरवाऊँगा। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी मोटी परत है ये लीटर की, और इस लीटर को यहाँ से निकलवाना है ताकि इसमें जो कीटाणु हो इसमें सारे निकल जाए, अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अपने फार्म के लीटर को अच्छी तरह से निकलवा देना है, और उसको जब निकलने के बाद उसको झाड़ू से, जो झाड़ू होती है उससे आपको झाड़ू लगा देना है, और जो छोटा छोटा कन्नी होती है, कुन्नी होती है, वो सारे निकल जाए। उसके बाद आप अपने फार्म में बालू डलवाए, नया बालू अपने फार्म में ज़रूर डलवाएँ। उसके बाद आप अपने फार्म में फार्मलिन का स्प्रे फार्म के ज़मीन पे भी करें और ऊपर भी करें और साइड में भी करें, जाली पे भी करें, और आपके जो पर्दे लगे हैं पिछले लॉट में जो पर्दा आपने यूज किया है उस पर्दे पे भी आप ज़रूर से ज़रूर फार्मलिन का स्प्रे ज़रूर करवाएं। उसके बाद आप चूना और ब्लीचिंग मिला के उसके फार्म में पूरा छिड़काव करें। बहुत सारे फार्मर में जहाँ कुन्नी कम मिलते हैं, भूसा कम मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि फार्म में पूरा चूना घोल के पुतवा देते हैं, वो भी सही है। उसके बाद आपके फार्म में पिछले लॉट में जो भी बर्तन यूज हुआ है आप उसको एंटीऑक्सीडेंट घोल से या फार्मलिन यूज करके आप उस बर्तन को अच्छे से साफ़ कर ले ताकि उसमें कोई भी कीटाणु बच ना पाए। और सारे बर्तन को बाहर निकाल कर अच्छे तरह से धुलवाने के बाद तभी उस बर्तन का आप यूज करें। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि फीडर वाला, तो जो दाना वाला फीडर होते हैं उसको तो धोते हैं, और जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर होता है उसको वैसे ही फार्म में लटके रहने देते हैं। वो सारे ड्रिंकर को भी आपको धोना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बर्ड है वो ड्रिंकर के पास ही बैठते हैं, खास करके गर्मी में, तो आप ड्रिंकर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने पूरा लीटर निकलवाने के बाद उस पर 1 इंच के करीब मैंने बालू डलवाया है, और बालू डलवाने से ये होता है कि जो भी बीमारियां पत में बैठ जाती है वो नीचे ही दबी रहती है, जो भी कीटाणु होते हैं नीचे ही दबी रहती है। और इसके बाद मैं अभी इसमें फार्मलिन का स्प्रे भी करूँगा, और उसके बाद चूना और ब्लीचिंग भी डलवाऊँगा। तो मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 15 से 16 लीटर के करीब पानी लिया हूं, और मैं इसमें अब फार्मलिन मिलाऊँगा। उसके बाद फार्मलिन मिलाने के बाद मैं पूरे फार्म में इसको स्प्रे और फार्म के बाहर भी इसका स्प्रे करूंगा। जब आप फार्मलिन का स्प्रे करने लगे तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको मास्क लगाना है और आँख में भी चश्मा लगाना है, क्योंकि ये आँख में बहुत तेज़ी से लगती है, और आपको हाथ को भी ढक के रखना है। तो मैं अब इसमें फार्मलिन डाल रहा हूँ, और मैं अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं पूरे फार्म में स्प्रे करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फार्मलिन इसमें मिला रहा हूँ। अब फार्मलिन का घोल तैयार करने के बाद मैं स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया हूँ, और स्प्रे करने से पहले आपको पूरे फार्म में चारों तरफ से आपको पल्ली से घेर देना है ताकि इसका गैस जो है वो अंदर ही रहे, और गैस से ही इसमें कीटाणु मरते हैं, इसलिए आपको पल्ली से चारों तरफ घेरना है ताकि फार्म में हवा ना आए और इसके अंदर गैस बने और जिससे कि कीटाणु नष्ट हो
और बहुत सारे फार्मर फार्मलिन का यूज नहीं करते हैं जब फार्म में बर्ड होते हैं, क्योंकि जब बर्ड होते उस टाइम कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं। इसलिए आप जब बर्ड हो तब भी आप यूज कर सकते हैं फार्मलिन का। बहुत सारे फार्मर डरते हैं करने की, ताकि मुर्गा को कोई नुकसान हो। कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों, आप चाहे जब भी चाहे तभी आप फार्मलिन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मलिन कीटनाशक होते हैं और ये कीटाणु को मारने का ही काम करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें।